सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज हमारे सामने ऑल न्यू हुंडई वेन्यू का सेकंड बेस वेरिएंट एस वेरिएंट जो है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। और आज हम इसका करेंगे डिटेल वॉक अराउंड। साथ में हमें मिल जाती है एक सेंटर लॉकिंग की विद फ्लिप की ऑप्शन, और जो दूसरी की हमें मिलती है वो मिलती है हमें एकदम नॉर्मल पुरानी स्टाइल वाली की। तो इसमें हमें मिल जाता है लॉक, अनलॉक एंड होल्ड फॉर इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और सामने इस गाड़ी का ऐसा कुछ लुक है। अब देखते हैं इसका इंजन। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर रेंज जो देख रहे हैं, इसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 82 बीएचपी और मैक्सिमम टॉर्क 110 एनएम है। ऊपर इंसुलेशन नहीं दी गई और काफी रिफाइंड इंजन है ये फोर सिलेंडर इंजन। सामने से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक, काफी बढ़िया ग्रिल दी गई है क्रोम फिनिश में। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं हेलोजन हेडलैम्प्स क्रोम बीजल्स के साथ, और कोई फॉग लैम्प्स नहीं मिलते इस वेरियंट में। ऊपर हमें मिल जाएंगे बल्ब इंडिकेटर्स, कोई डीआरएल्स भी नहीं मिलते। एंड ये कुछ गाड़ियां फ्रंट लुक। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। साइड बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है हमें व्हील आर्चेस पे, और यहाँ पे 195/65 R15 का स्टील व्हील मिलता है विद व्हील कवर, सो काफी वेल कवर्ड है ये। और यहाँ पे बॉडी फ्रंट फेंडर पे टर्न इंडिकेटर्स, मैनुअली फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं यहाँ पे हमें। सो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। साइड बॉडी कुछ ऐसी लगती है, काफी बढ़िया लग रहा है डिजाइन, सिंपल एंड गुड। हमें साइड मॉडलिंग में मिल जाती है यहाँ पे, और नीचे भी अंडर बॉडी भी हमें मॉडलिंग मिल जाती है ब्लैक कलर में, जो कि अंडर बॉडी प्रोटेक्ट करता है गाड़ी की ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग। ऊपर हमें मिल जाती है सिल्वर रूफ रेल्स, कोई सनरूफ वगैरह का ऑप्शन नहीं होता इस वेरिएंट में। और यहाँ पे हमें मिल जाती है नॉर्मल एंटीना ब्लैक वाला बीच में, और ये पीछे का लुक। पीछे मिलती है ड्रम ब्रेक्स, आगे मिलती है डिस्क ब्रेक, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर है, जो कि लॉन्ग ड्राइव पे काफी काम आएगी। और ये गाड़ी का पीछे से कुछ लुक, सिंपल एंड गुड। हुंडई वेन्यू की बैजिंग मिली हुई है बड़ी बड़ी, और यहाँ पे हमें रिवर्स में मिल जाते टेल लैंप्स एलईडी वाले, और बल्ब इंडिकेटर्स, बल्ब रिवर्स लाइट्स, और सिर्फ दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं रिवर्स में। तो गाड़ी का ये कुछ पीछे से लुक। रियर में मिल जाता है डिफॉगर, हाई स्टॉप टेल लैंप, और इंटीग्रेटेड स्पॉयलर मिल जाता है रियर में, और नीचे हमें इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें 350 लीटर का काफी बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से। साथ में पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, यहाँ पे बूट लैंप भी मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है स्पेयर व्हील, जो है सेम साइज का, सेम ब्लैक स्टील व्हील, 195/65 R15। टायर साइज थोड़ा छोटा पर उतना भी बुरा नहीं है। बाकी 350 लीटर का ये बूट स्पेस है, और यहाँ ग्रैब हैंडल से हम बूट को बंद कर सकते हैं इजीली। सो अब चलते हैं इसकी रियर सीट्स में, और जो फ्रंट सीट्स है उसको मैंने अकॉर्डिंगली अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया, जो 6 फीट 2 इंचेस। सो गाइस ये खोला हमने इसका डोर, तो यहाँ पे हमें काफी ठीक ठाक ओपनिंग मिल जाती है डोर की। तो डोर हमें मिलता है प्लास्टिक पैनल के साथ, नॉर्मल पावर विंडोज, बॉटल होल्डर के लिए स्पेस मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। स्पीकर मिल जाता है, सिल्वर ग्रैब हैंडल मिल जाता है इंटीरियर वाला, और ये इसके पावर विंडो। तो ये रियर कैबिन पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत लेग रूम भी मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से। बाकी रिवर्स में हमें मिल जाता है नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पर शेप काफी बढ़िया दी गई है, तो हेड स्पोर्ट अच्छी खासी मिल जाती है, और हेडरूम भी मोर देन इनफ है, काफी बढ़िया हेडरूम मिल जाता है इस गाड़ी में हमें। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो ऊपर हमें मिल जाती है येलो हेलोजन कैबिन लाइट्स, यहाँ पे इंटीरियर ग्रैब हैंडल जो है डोर वाला, वहां पे कोट हुक भी मिल जाते हैं। तो गाइस अब चलते हैं इसके फ्रंट कैबिन में, और रियर में हमें एसी वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, और साथ में एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। तो गाइस अब चलते हैं इसके फ्रंट कैबिन में। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है प्लास्टिक डोर पैनल, पावर विंडो को लॉक करने का ऑप्शन, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, और ड्राइवर साइड पावर विंडो जो है वो ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आता है। मैं आपको चाबी लगा के दिखा देता हूँ एक बारी, ये ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आता है, साथ ही साथ इसमें ऑटो ऑफ फंक्शन भी मिल जाता है, सो ये काफी कन्वीनियंट रहता है। और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs, ये ट्विटर की स्पेस है, ट्विटर लगा हुआ है यहाँ पे। सो इसमें चार स्पीकर्स और दो ट्विटर्स मिलते हैं, तो 6 स्पीकर्स का सेट बन जाता है ये। सो ये गाड़ी का कुछ लुक। ड्राइवर साइड जो है सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती इस वेरिएंट में हमें, फ्यूल हुड के यहाँ से खुलेगी, और ये जो मैट्स है हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं विद हुंडई, और वहाँ पे हुड खोलने का ऑप्शन, हेडलाइट लेवलर, सिल्वर फिनिश में हमें दी गई इसके एयर सी वेंट्स, और ये इसका नॉर्मल सा स्टेयरिंग व्हील हुंडई के लोगों के साथ। स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स मिल जाता है हमें स्टेयरिंग व्हील पे, एंड एनालॉग में मिलता है इसका स्पीडोमीटर और टैकोमीटर। सो हमें इंजन के आरपीएम मीटर भी मिल जाएगा देखने को, टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाती है स्टीयरिंग व्हील पे, और यहाँ पे हमें मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, म्यूट करने का ऑप्शन, और ट्रूडिंग ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है, विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। एंड ये इसका कुछ लुक। अभी हमने कर दिया इंजन ऑन, पता भी नहीं चल रहा है, एसी ऑन कर दिया हमने। सो काफी ज्यादा स्मूथ और साइलेंट इंजन है ये,
स्पेशली 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन जो हुंडई की गाड़ियों में आता है। यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट के स्विच, पियानो फिनिश दी गई थोड़ी बहुत, आई रिम मिल जाते हैं मैनुअली एडजस्टेबल फॉर डे नाइट, यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है, ये हमारा माइक्रोफोन, और यहाँ पे हमें मिल जाता है वैनिटी मिरर को पैसेंजर वाली साइड पे। तो गाइज ये इसका कुछ स्टीयरिंग व्हील, इंटीरियर आर बेसिक एंड गुड, सिंपल लगते हैं, कुछ ज़्यादा अपीलिंग भी नहीं है, बट इट्स गुड इस स्मॉल वेरियंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, एज वेल एज आप मीडिया को आप FM चला सकते हैं। सो गाइज ये इसका कुछ टू इन ऑडियो सिस्टम, यहाँ पे हमें मिल जाएगी AC की कंट्रोल्स वहाँ पे नीचे, और यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाती है नॉर्मल वाली, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट नहीं, नॉर्मल आर्मरेस्ट मिल जाता है हमें यहाँ पे, काफ़ी ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है, कन्वेंशनल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, गियर नॉब जो नॉर्मल ब्लैक में है सिंपल वाली, यहाँ पे थोड़ी स्पेस, USB के लिए सॉकेट और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, मैनुअल AC के कंट्रोल्स है, सिंपल एंड गुड। एंड अब देखते इसका ग्लव बॉक्स, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ग्लव बॉक्स, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत स्पेस है, सो एक कूल ग्लव बॉक्स है जो कि काफ़ी बढ़िया बात हमें एस्पिरेंट से ही देखने को मिल रहा है। बेसिक नीड के सारे फीचर दिए गए इस गाड़ी में, और ये हेडलाइट लेवल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सो गाइज ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि हमें एनालॉग में मिल जाता है स्पीडोमीटर एज वेल एज टैकोमीटर, और यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है हमें, टोटल किलोमीटर्स ए ट्रिप बी ट्रिप डिस्टेंस टू MT एंड एवरेज किलोमीटर पर लीटर जो आ रही है, और इंस्टेंटेनियस किलोमीटर पर लीटर, और यहाँ पे हमें दिखाएगा इंजन टेम्परेचर कूल हॉट एंड फ्यूल गॉज, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल जाता है टैकोमीटर जो है हमारा इंजन RPM मीटर। यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर और हैंड ब्रेक के लिए मिल जाता है, और 8000 तक ये जाता है, और काफ़ी स्मूथ इंजन है, अगर आप सिंपल एंड स्मूथ इंजन देख रहे हैं तो देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सो गाइज एट लास्ट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव एंड क्विक लगी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को भी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो।